Today we will discuss about the exams date sheet regarding the board classes 3rd, 5th, 8th, 9th, 10th, plus 1 and plus 2. इससे पहले जो हमने एक लेक्चर बनाया था बेटे, that is related with the tentative date sheet specially for the matric and 12th classes. तो वो हमने लेक्चर पहले डिलीवर कर दिया था, पर अब जो एक लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला की तरफ से जारी हुई है, और लेटेस्ट नोटिफिकेशन वो जारी हुई है, वो है 24 जनवरी 2024 को जारी हुई है, और उसके अकॉर्डिंग अब बोर्ड ने जो है वो 3rd, 5th, 8th, 9th, 10th, प्लस 1 और प्लस 2 क्लासेस की जो डेट शीट है वो एक नए सिरे से दोबारा जारी की है. और उस डेट शीट के अकॉर्डिंग अब हम देखेंगे कि उसमें बोर्ड ने क्या क्या चेंजेस किए हुए हैं. तो अब आपको पता है बेटे कि अब इससे पहले जो हमने बनाया था बेटे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, तो इससे पहले हमने बना लिया है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स के बारे में, पासिंग क्राइटेरिया क्या रहेगा एग्जाम में, एंड व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ द इंटरनल असेसमेंट. ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स आर टू बी डिस्कस्ड इन अवर प्रीवियस लेक्चर. उससे पहले हमने पिछले लेक्चर में जो हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली थी, अब आज हम देखते हैं कि जो नई नोटिफिकेशन हुई है 24 जनवरी की, उसके अकॉर्डिंग बोर्ड ने क्या क्या डेट्स जो है वो सभी बोर्ड क्लासेस की जारी की हैं. अब आपको पता है बेटे कि जनवरी महीना जो है वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, अब नेक्स्ट फरवरी मंथ है, और बड़ा कम समय आपके पास है फाइनल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी तैयारी करने का. तो अब बेटे अपना बिल्कुल भी अपना समय जो है वो व्यर्थ ना गवाएं, जितना ज्यादा समय हो सकता है वो अपनी स्टडीज के ऊपर डिवोट करें, अपना हार्डवर्क और एक डेडिकेशन जो है वो 100% अपनी स्टडीज के ऊपर दें, क्योंकि समय जो होता है वो बहुत तेजी से बीतता है, और जो बीत समय बीत जाता है वो कभी वापस नहीं आता है. तो अब हम शुरू करेंगे बेटे आपकी नेक्स्ट जो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की तरफ से लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी हुई है, और वो नोटिफिकेशन जो जारी हुई है बेटे वो कब हुई है, वो नोटिफिकेशन आपकी जारी हुई है 24th जनवरी को जारी हुई है. और इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या है बेटे अब हम देखेंगे, इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो आपका एकेडमिक सेशन है 23-24 का, और स्पेशली समर क्लोजिंग स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली फॉर द थर्ड क्लास, उनकी परीक्षार्थियों के लिए जो वार्षिक परीक्षा की जो डेट्स है वो जारी कर दी गई हैं. अब जो डेट रहेंगी वो आपकी कौन कौन सी डेट्स रहेंगी, समय क्या रहेगा पेपर का, किस समय पर बच्चे को जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर में या एग्जाम हॉल में वहां पर पहुंचना पड़ेगा, उस समय की नोटिफिकेशन भी दी गई है, और डेट्स कौन कौन सी डेट्स को कौन कौन से पेपर होंगे. स्पेशली थर्ड और फिफ्थ के जो है वो बोर्ड की तरफ से 4 ही एग्जाम्स 4 पेपर लिए जाते हैं, और वो कौन कौन से पेपर हैं, वो आपके हैं इंग्लिश एनवायरमेंटल स्टडीज का, हिंदी और मैथ्स. ये 4 ही पेपर जो होंगे बोर्ड की तरफ से थर्ड और फिफ्थ क्लासेस के लिए जाएंगे. जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा बेचे आपका थर्ड फिफ्थ का वो रहेगा 9:45 से लेकर कितने का रहेगा 1 बजे का रहेगा. ये समय रहेगा आपका स्पेशली थर्ड क्लासेस के स्टूडेंट्स का, 9:45 पर आपका एग्जाम जो है वो शुरू हो जाएगा और वो चलेगा 1 o'clock तक. सबसे पहली जो हमारी डेट शीट है बेटे थर्ड क्लास की वो आपका 26 फरवरी 2024 को, डे कौन सा रहेगा बेटे मंडे का डे रहेगा, और मंडे को जो एग्जाम होगा थर्ड क्लास का वो होगा इंग्लिश का एग्जाम. 27 फरवरी 2024 को डे रहेगा मंगलवार, और उस दिन जो एग्जाम होना है थर्ड क्लास के बच्चों का वो है पर्यावरण शिक्षा या फिर एनवायरमेंटल स्टडीज का. 28 फरवरी 2024 को डे रहेगा बेटा वेडनेसडे, एंड द पेपर जो होगा बेटे वो होगा हिंदी का पेपर होगा 28 फरवरी 2024 को. 29 फरवरी 2024 को जो डे रहेगा वो रहेगा थर्सडे का, और उस दिन जो एग्जाम होगा बेटे वो होगा मैथ्स का एग्जाम. तो इस तरह से जो स्टूडेंट्स हैं उनको 9:45 पर क्वेश्चन आंसर बुकलेट जो होंगी वो दी जाएंगी. 9:45 पर एग्जैक्ट बच्चों को जो है जो आपकी आंसर शीट्स होंगी या क्वेश्चन बुकलेट्स होंगी वो बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगी, जिससे परीक्षार्थी जो होंगे इस अतिरिक्त समय में प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे. 9:45 पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगी आंसर शीट्स, और उस समय में वो बच्चे जो होंगे वो अपनी उन आंसर शीट्स को अच्छे से पढ़ेंगे, और उस बुकलेट पर अपना विवरण दर्ज करेंगे, क्या क्या बच्चे का नाम होगा, कौन सी क्लास में बच्चा पढ़ रहा होगा, कौन सा रोल नंबर होगा उसका क्लास का,
उससे रिलेटेड जो ब्यौरा होगा वो बच्चे को उस बुकलेट में भरना होगा। परीक्षा प्रातः 10 बजे ही आरंभ होगी और जो समय रहेगा एग्जाम के शुरू होने का वो 10 o'clock ही रहेगा। 10 बजे ही पेपर जो होगा वो शुरू होगा, पर उससे पहले 9:45 और 15 मिनट्स जो होंगे वो एडवांस में बच्चे को बुकलेट इसलिए दी जाएगी कि जिसमें बच्चा बुकलेट को अच्छी तरह से उसको पढ़ ले और उससे रिलेटेड जो अपना ब्यौरा होगा वो उसको उस बुकलेट में भरना होगा कि बच्चे का नाम क्या है, किस विषय का या किस सब्जेक्ट का उस दिन एग्जाम है, बच्चे का रोल नंबर क्या है, बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है, वो सब ब्यौरा जो होगा वो बच्चे को देना पड़ेगा। और ये जो डेटशीट है दैट इज रिलेटेड विद द कौन सी क्लास रिलेट करती है बेटी, ये थर्ड क्लास की रिलेट करती है। 26 फरवरी से शुरू होंगे एग्जाम 26 फरवरी 24 से शुरू होंगे, 29 फरवरी 24 तक जो है वो बच्चों के एग्जाम्स चलेंगे। नेक्स्ट जो हमारी अगली क्लास आती है बेटे वो है हमारी 5th class और 5th class में जो एग्जाम्स होंगे बच्चों के बेटे वो भी जो आपका सेशन है एकेडमिक सेशन 23-24 का समर क्लोजिंग स्कूल्स के बच्चों के लिए जो 5th class की जो डेट शीट रहेगी वो सेम उसी तरह के पैटर्न में रहेगी जैसे 3rd के पैटर्न की है। समय सेम रहेगा 9:45 से 1 o'clock तक का समय रहेगा। 26 फरवरी को बच्चों के एग्जाम शुरू हो जाएंगे। 26 फरवरी को जो डे रहेगा बेटे वो रहेगा मंडे का और 26 फरवरी को जो एग्जाम होना है 5th class का वो रहेगा इंग्लिश का एग्जाम होगा। 27 फरवरी 2024 को डे जो रहेगा बेटे वो रहेगा ट्यूजडे और उस दिन जो एग्जाम होगा बच्चों का वो रहेगा हिंदी का एग्जाम होगा। 28 फरवरी 2024 को डे जो रहेगा वो रहेगा वेडनेसडे का और उस दिन जो एग्जाम होगा वो होगा एनवायरमेंटल स्टडीज का या फिर पर्यावरण शिक्षा का। 29 फरवरी 2024 को डे जो रहेगा बेटे वो रहेगा थर्सडे का और थर्सडे को जो एग्जाम होगा 5th class के स्टूडेंट्स का वो रहेगा मैथ्स का एग्जाम रहेगा। सेम जैसे हमने 3rd class के बारे में बताया कि 3rd class के स्टूडेंट्स को जैसे 9:45 पर जो उनकी बुकलेट्स है या आंसर शीट्स है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगी, सेम उसी तरह से जो 5th class के स्टूडेंट्स होंगे उनको भी एग्जैक्ट 9:45 पर जो आंसर शीट्स होगी या बुकलेट्स होंगी वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगी। उस दौरान बच्चा जो होगा वो उन अपनी आंसर शीट्स को अच्छी तरह से पढ़ेगा और अपने से संबंधित जो ब्यौरा होगा वो बच्चे को लिखना पड़ेगा। बच्चे का नाम क्या है, बच्चा कौन सी कक्षा में पढ़ता है, बच्चे का कक्षा का रोल नंबर क्या है और बच्चे की किस विषय से संबंधित जो है वो पेपर होगा। तो ये जो है और जो परीक्षा होगी बेटे वो सुबह 10 बजे ही आरंभ होगी, 10 बजे से लेकर 1 बजे तक। अगली कक्षा जो अगली क्लास आती है हमारी बेटे वो है हमारी 8th class। 8th class में क्या है कि 8th class में जो एग्जाम्स का शेड्यूल है फॉर द एकेडमिक सेशन 23-24 के लिए स्पेशली फॉर द समर क्लोजिंग स्कूल्स रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए या फिर एसओएस से रिलेटेड जो बच्चे होंगे उन परीक्षार्थियों की जो वार्षिक रियपेयर परीक्षा हेतु दिनांक सूची जो है वो ये दी गई है। टाइम पीरियड जो रहेगा उनका 8:45 to 12 o'clock तक रहेगा। 8:45 पर पेपर जो है वो बच्चों का शुरू होगा और 12 बजे तक जो है वो बच्चों का एग्जाम चलेगा। इसका मतलब है कि बच्चे को 8:45 पर जो है वो बच्चों को रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी अपने एग्जामिनेशन सेंटर में। इन बच्चों के जो पेपर्स का जो शेड्यूल रहेगा वो रहेगा 2nd March 2024 से। 2nd March 2024 को जो डे रहेगा बेटे वो रहेगा सैटरडे का। उस दिन जो बच्चों का एग्जाम होगा वो रहेगा इंग्लिश का एग्जाम और जो एसएस से रिलेटेड बच्चे हैं उनका भी जो एग्जाम होगा वो रहेगा इंग्लिश का। 4th March 2024 को डे जो रहेगा बेटे वो रहेगा मंडे का। उस दिन जो एग्जाम होगा वो होगा मैथमेटिक्स का और सेम जो एसएस के बच्चे हैं उनका भी एग्जाम किस चीज का होगा, मैथ्स का। 5th March 2024 को डे रहेगा ट्यूजडे का और एग्जाम रहेगा हिमाचल की लोक संस्कृति और योग का एग्जाम और उस दिन एसओएस का जो होगा वो कोई भी एग्जाम नहीं होगा। 6th March 2024 को डे रहेगा वेडनेसडे का, एग्जाम होगा सोशल साइंस का या फिर सामाजिक विज्ञान का और एसओएस के बच्चों का जो एग्जाम रहेगा वो भी रहेगा सामाजिक विज्ञान का। 7th March 2024 को डे रहेगा थर्सडे, पेपर जो रहेगा वो उस दिन वो रहेगा संस्कृत का। एसओएस के जो विद्यार्थी होंगे उनका भी पेपर रहेगा संस्कृत का। 9th March 2024 को डे रहेगा बेटे शनिवार, शनिवार के दिन 9th March को जो 8th class का एग्जाम होगा वो रहेगा विज्ञान का, साइंस का एग्जाम रहेगा। एसओएस के जो विद्यार्थी होंगे उनका भी, राज्य मुक्त विद्यालय के जो बच्चे होंगे उनका भी जो पेपर रहेगा वो रहेगा साइंस का। 11th March 2024 को डे रहेगा मंडे का, पेपर होगा हिंदी का, एसओएस का भी जो एग्जाम होगा वो रहेगा हिंदी का। और जो 12th March 2024 को
डे मंगलवार है और उस दिन जो एग्जाम्स होंगे बच्चों के 12th मार्च को वो रहेंगे कला के, ड्राइंग, चित्रकला एवं अप्लाइड आर्ट, या फिर जिन बच्चों का गृह विज्ञान होगा, होम साइंस होगी उसका पेपर होगा, स्वर संगीत, वाद्य संगीत, पंजाबी, उर्दू, सेम जो आपके राज्य मुक्त विद्यालय के विद्यार्थी हैं या एसएसएस के विद्यार्थी हैं उनका भी उसका ही एग्जाम होगा। इस तरह से जो 8th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनका जो एग्जाम्स का शेड्यूल है वो 2nd मार्च 2024 को शुरू होगा और 12th मार्च 2024 को खत्म हो जाएगा। प्रश्नों के उत्तर देते समय जो प्रश्न संख्या आपके पत्र पर दर्शाई होगी सेम वही प्रश्न संख्या जो होगी वो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका पर या फिर आंसर शीट पर लिखनी होगी। आपके अगर क्वेश्चन पेपर में अगर आपका क्वेश्चन आप लोग 20th क्वेश्चन जो है वो सबसे पहले कर रहे हैं तो आप अपनी उत्तर पुस्तिका पर भी क्वेश्चन नंबर 20 ही लिखेंगे, क्योंकि ज्यादातर विद्यार्थी क्या करते हैं कि जो लास्ट का क्वेश्चन अगर वो कई बार करते हैं तो उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में जो वो नंबर क्या दे देते हैं, 1 दे देते हैं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल गलत है। आपको जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन दिया होगा चाहे आप उस क्वेश्चन को पहले कर रहे हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन नंबर आपको उत्तर पुस्तिका में डालना होगा। और पहला क्वेश्चन कई बार बच्चा जो होता है वो सबसे आखिरी में करता है तो उसके हिसाब से आपको उत्तर पुस्तिका में उस क्वेश्चन नंबर 1 को ही आपको क्वेश्चन नंबर 1 उत्तर पुस्तिका में लिखना है, क्योंकि ज्यादातर विद्यार्थी जो होते हैं वो ये गलती करते हैं। आपको एग्जाम में ये गलती जो है वो नहीं दोहरानी है। दूसरा ये कि परीक्षार्थियों को प्रातः 8:45 पर एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचना है और उसके अकॉर्डिंग जो उत्तर पुस्तिकाएं होंगी वो बच्चों को आवंटित की जाएंगी। परीक्षार्थियों को 15 मिनट का समय जो होगा वो प्रश्न पत्र पढ़ने या फिर उत्तर पुस्तिका के प्रश्नों की गणना करने के लिए दिया जाएगा कि उत्तर पुस्तिका में जो पृष्ठों की संख्या है वो सही है या गलत है। तो 15 मिनट जो है वो क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए और उत्तर पुस्तिका के पृष्ठों की संख्या को गिनने के लिए, काउंट करने के लिए दे जाएंगे, जिसमें कि उत्तर पुस्तिका के पृष्ठों की संख्या सही है या गलत है। जिन विषय के साथ स्टार लगा हुआ है, जैसे कि स्टार लगा हुआ है तो जिन विषय के साथ स्टार दर्शाया गया है उनके प्रश्न पत्र जो होंगे वो बोर्ड द्वारा उपलब्ध नहीं करवाए जाएंगे। वो प्रश्न पत्र जो होंगे वो सभी विद्यालयों को अपने ही द्वारा स्वयं जो होंगे वो तैयार करने होंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर आपका गृह विज्ञान है, स्वर संगीत है, वाद्य संगीत है, इस तरह से जिन पेपरों के आगे स्टार दर्शाया गया होगा वो क्वेश्चन पेपर जो होंगे वो बोर्ड कार्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं करवाए जाएंगे। वो प्रश्न पत्र स्कूल को या विद्यालय को अपने ही स्तर पर या अपने लेवल पर स्कूल में ही तैयार करने होंगे। तो इस तरह से बेटे ये जो डेट शीट है ये 8वीं कक्षा की डेट शीट है समर क्लोजिंग स्कूल्स के लिए। नेक्स्ट हम आते हैं बेटे अगली, अब हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के द्वारा जो 9th क्लास की या 9वीं कक्षा की जो डेट शीट जो है वो जारी की गई है उसके दौरान या उसके अनुसार जो है पेपर का जो शुरू होने का समय है वो 8:45 से लेकर 12:00 तक रहेगा। 26 फरवरी 2024 को 9th क्लास के बच्चों के जो पेपर है वो शुरू हो जाएंगे 26 फरवरी 2024 को। 26 फरवरी को जो दिन रहेगा वो रहेगा सोमवार का और उस दिन जो बच्चों का पेपर होगा, 9वीं कक्षा के बच्चों का जो एग्जाम होगा या 9th क्लास के स्टूडेंट्स का जो एग्जाम होगा वो रहेगा इंग्लिश का। 27 फरवरी 2024 को डे रहेगा मंगलवार, उस दिन जो बच्चों का एग्जाम होगा वो रहेगा संस्कृत का एग्जाम रहेगा। 20 फरवरी 2024 को डे जो रहेगा वो रहेगा वेडनेसडे का और उस दिन जो पेपर होंगे जैसे आर्ट ए का पेपर है, म्यूजिक वोकल इंस्ट्रूमेंटल है, होम साइंस है, इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर साइंस है या फिर एग्रीकल्चर है, काफी एग्जाम्स जो है वो उस दिन 28 फरवरी 2024 को होंगे। उसके बाद हम आते हैं 29 फरवरी 2024 को डे रहेगा वीरवार का और उस दिन जो एग्जाम होगा बेटे बच्चों का वो रहेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी। 1 मार्च 2024 को डे रहेगा फ्राइडे और फ्राइडे को जो पेपर होगा वो रहेगा सोशल साइंस का या फिर सामाजिक विज्ञान का पेपर रहेगा। 2 मार्च 2024 को डे जो है वो शनिवार है और पेपर रहेगा उस दिन हिंदी का। 4 मार्च 2024 को मैथ्स का एग्जाम होगा। 5 मार्च 2024 को जो एग्जाम होगा वो ड्राइंग बी का रहेगा, आर्ट बी का, और 6 मार्च 2024 को जो एग्जाम होगा वो रहेगा फाइनेंस लिटरेसी का। ये हो गए बेटे। उसके बाद नेक्स्ट अब हम आते हैं क्लास कौन सी है बेटे, 10th क्लास 9th के बाद हम शिफ्ट करेंगे। 10th क्लास की टेंटेटिव डेट शीट मैंने पहले भी
जो थी वो बनाई थी अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन ऑफ द एचपी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ऑफ धर्मशाला, और उसके अकॉर्डिंग आई थिंक जो पेपर शुरू हो रहे थे वो हो रहे थे 2 मार्च को। पर अब जो कल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आई है 24 जनवरी 2024 की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आई है उसके अकॉर्डिंग जो अब डेट शीट जारी हुई है 10th क्लास की, उसके अकॉर्डिंग जो पेपर शुरू होंगे वो होंगे 1 मार्च 2024 से। टाइमिंग बेटे सेम है, 8:45 से लेके 12 o'clock तक समय रहेगा। 1 मार्च 2024 को जो बेटे एग्जाम होगा 10th क्लास का वो रहेगा मैथमेटिक्स का फॉर द रेगुलर कैंडिडेट्स एज वेल एज फॉर द एसओएस कैंडिडेट्स। 4 मार्च 2024 को जो एग्जाम रहेगा वो रहेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बोथ फॉर द रेगुलर कैंडिडेट्स एज वेल एज द एसओएस कैंडिडेट्स। नेक्स्ट आपका 6 मार्च 2024 को डे रहेगा वेडनेसडे, और उस दिन जो एग्जाम होगा रेगुलर कैंडिडेट्स का वो रहेगा एसएसटी का, और जो एसएससी से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं उनका भी सोशल साइंस का। 7 मार्च 2024 को होम साइंस का रेगुलर का भी और एसएससी से रिलेटेड स्टूडेंट्स का भी होम साइंस का एग्जाम रहेगा। 9 मार्च 2024 डे सैटरडे, उस दिन जो एग्जाम होगा रेगुलर कैंडिडेट्स का इंग्लिश का और एसएससी के कैंडिडेट्स का भी एसएससी का। 11 मार्च 2024 को जो एग्जाम रहेगा रेगुलर कैंडिडेट्स का और एसएससी के कैंडिडेट्स का वो रहेगा हिंदी का, और उस दिन जो डे रहेगा वो रहेगा मंडे का। 12 मार्च 2024 को जो एग्जाम होगा बेटे डे रहेगा ट्यूसडे, एग्जाम्स रहेंगे आर्ट्स इकोनॉमिक्स कॉमर्स ठीक है एलिमेंट्स ऑफ बुक्स कीपिंग एंड अकाउंटेंसी ऑटोमोटिव प्राइवेट सिक्योरिटी रिटेल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इनेबल्ड सर्विसेज हेल्थ केयर एग्रीकल्चर टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी टेलीकॉम फिजिकल एजुकेशन BFSI that is banking, finance, service and insurance, media and entertainment, plumber, beauty and wellness, electronics and hardware and appearance, made ups and home furnishing. तो ये 12th March 2024 को exams रहेंगे regular candidates के और SOS candidates के भी यही exams का schedule रहेगा। 13th मार्च 2024 को डे रहेगा वेडनेसडे, और उस दिन जो एग्जाम्स होंगे बेटे वो उर्दू तमिल तेलुगु संस्कृत एंड पंजाबी। तो यहाँ पर जो हमारे बच्चों का जो एग्जाम होगा वो रहेगा संस्कृत का, और सेम एसएससी के बच्चों का भी जो एग्जाम रहेगा वो रहेगा संस्कृत का। 14th मार्च 2024 को डे रहेगा थर्सडे, उस दिन पेपर जो होगा म्यूजिक वोकल का। 15th मार्च 2024 फ्राइडे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल। 16th मार्च सैटरडे पेपर रहेगा कंप्यूटर साइंस का, और 18th मार्च 2024 को डे रहेगा मंडे और जो पेपर होगा वो फाइनेंस लिटरेसी का। तो इस तरह से ये जो डेट शीट है बेटे वो है 10th क्लास की अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ द एचपी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला, एंड दिस नोटिफिकेशन इज लेटेस्ट इश्यूड बाय दैट इज ऑन 24 जनवरी 2024। तो उसके अकॉर्डिंग 1 मार्च 2024 को बच्चों के 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम शुरू होंगे और जो खत्म होंगे वो होंगे 18th मार्च 2024 को। अब हम नेक्स्ट आते हैं बेटे 11th क्लास के लिए डेट शीट फॉर द एनुअल एग्जामिनेशन ऑफ द रेगुलर कैंडिडेट्स ऑफ द सीनियर सेकेंडरी क्लास प्लस वन फॉर द एकेडमिक सेशन 23-24। And this date sheet is for fine arts, painting, graphics, sculptures, applied arts, commercial arts. इन बच्चों का जो समय रहेगा वो रहेगा 1:45 to 3 p.m. अब इन बच्चों के जो एग्जाम्स हैं वो भी बेटे शुरू कब होंगे 26 फरवरी 2024 को डे मंडे, और 26 फरवरी को जो बच्चों का एग्जाम होगा वो रहेगा इंग्लिश का। 27 फरवरी 2024 को जो पेपर रहेगा वो रहेगा इकोनॉमिक्स का। 28 फरवरी को डे वेडनेसडे है और जो एग्जाम होगा उस दिन वो होगा ज्योग्राफी का। 29 फरवरी 2024 को डे रहेगा थर्सडे और उस दिन जो पेपर होगा बच्चों का वो रहेगा केमिस्ट्री का पेपर। 1 मार्च 2024 डे फ्राइडे और उस दिन जो एग्जाम रहेगा बच्चों का वो रहेगा पॉलिटिकल साइंस का। 2 मार्च 2024 सैटरडे दो पेपर होंगे उस दिन बच्चों के, कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स होंगे उनका पेपर होगा अकाउंटेंसी का, और जो साइंस के स्टूडेंट्स होंगे उनका पेपर होगा फिजिक्स का। 4 मार्च 2024 को मैथमेटिक्स का एग्जाम होगा। 5 मार्च 2024 को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जाम होगा। 6 मार्च 2024 को दो एग्जाम्स होंगे, मेडिकल के स्टूडेंट्स का जो पेपर होगा वो होगा बायोलॉजी का पेपर, और जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स होंगे उनका जो एग्जाम होगा वो होगा बिजनेस स्टडीज का। 7 मार्च 2024 को डे जो रहेगा बेटे वो रहेगा थर्सडे, और उस दिन जो एग्जाम होंगे वो होंगे एक हिंदी का और दूसरा उर्दू का।
9th मार्च 2024 को डे सैटरडे है, एग्जाम होगा संस्कृत का, आर्ट्स में स्टूडेंट्स का एग्जाम रहेगा और जो एग्जाम रहेगा वो रहेगा संस्कृत का। 11th मार्च 2024 डे मंडे एग्जाम रहेगा सोशियोलॉजी। 12th मार्च 2024 को डे जो रहेगा वो ट्यूसडे रहेगा और उस दिन जो एग्जाम होगा बच्चों का वो होगा हिस्ट्री का। 13th मार्च 2024 फिजिकल एजुकेशन, योगा, कंप्यूटर साइंस, एग्रीकल्चर, ऑटोमोटिव, हेल्थ केयर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एनेबल्ड सर्विसेज, मीडिया एंटरटेनमेंट, रिटेल, फिजिकल एजुकेशन, प्राइवेट सिक्योरिटी, इससे जितने भी रिलेटेड एग्जाम्स हैं वो रहेंगे 13th मार्च 2024 को। 14th मार्च 2024 को जो एग्जाम रहेगा बेटा वो रहेगा म्यूजिक के, चाहे वो हिंदुस्तानी वोकल है या हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल मेलोडिक है या हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल परकशन, ये जो एग्जाम्स होंगे वो रहेंगे 14th मार्च को। 15th मार्च को जो एग्जाम रहेगा बेटे वो रहेगा ह्यूमन इकोलॉजी एंड फैमिली साइंस का। 16th मार्च को फिलॉसफी का एग्जाम रहेगा। 18th मार्च को फ्रेंच। 19th मार्च को डांस, कथक, भरतनाट्यम। 20th मार्च को वेनेसडे है, फाइन आर्ट्स का एग्जाम रहेगा। 21st मार्च थर्सडे है, साइकोलॉजी का एग्जाम रहेगा और 22nd मार्च को पेपर रहेगा फाइनेंस लिटरेसी का। तो इस तरह से ये डेट शीट है बेटे 11th क्लास की। 26 फरवरी 2024 को एग्जाम शुरू होंगे और 22nd मार्च 2024 को बच्चों के एग्जाम्स खत्म होंगे। तो जिन बच्चों के म्यूजिक, ह्यूमन इकोलॉजी, फिलॉसफी, फ्रेंच, डांस, फाइन आर्ट्स, साइकोलॉजी, फाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेटेड संबंधित सब्जेक्ट नहीं है तो उन बच्चों की जो एग्जाम्स हैं वो 13th मार्च 2024 को खत्म हो जाएंगे। अब बेटे हम लास्ट में अब आते हैं हम 12th क्लास की डेट शीट फॉर द एनुअल एग्जामिनेशन ऑफ द रेगुलर एज वेल एज एसएस कैंडिडेट्स कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट एडिशनल सब्जेक्ट्स फॉर द सीनियर सेकेंडरी क्लासेस फॉर द एकेडमिक सेशन 23-24। टाइमिंग जो है दैट इज मॉर्निंग सेशन रहेगा एंड टाइम इज बिटवीन 8:45 टू 12 o'clock, या 12 PM तक रहेगा। एंड जो फाइन आर्ट्स, पेंटिंग, ग्राफिक्स, स्कल्पचर, अप्लाइड आर्ट्स या कमर्शियल आर्ट्स से संबंधित स्टूडेंट्स होंगे उनकी जो टाइमिंग रहेगी वो रहेगी 8:45 to 10 PM। अब जो हमारे 12th क्लास के जो पेपर शुरू होंगे वो भी 1st मार्च 2024 से शुरू होंगे। पहला पेपर जो रहेगा कॉमर्स के बच्चों का रहेगा बिजनेस स्टडीज का, एसओएस में भी एग्जाम रहेगा बिजनेस स्टडीज का। 2nd मार्च को जो एग्जाम रहेगा वो इंग्लिश का रहेगा, कॉमन है, चाहे वो साइंस के स्टूडेंट्स होंगे, आर्ट्स के होंगे या फिर कॉमर्स के होंगे, और एसओएस में भी इंग्लिश का। 4th मार्च 2024 को जो एग्जाम रहेगा बच्चों का वो रहेगा केमिस्ट्री का, ओनली साइंस स्टूडेंट्स का एग्जाम रहेगा केमिस्ट्री का, एसओएस में भी रहेगा केमिस्ट्री का। 5th मार्च 2024 को आर्ट्स के स्टूडेंट्स का एग्जाम रहेगा इकोनॉमिक्स का, चाहे वो रेगुलर कैंडिडेट्स हैं या फिर एसओएस के कैंडिडेट्स हैं। 6th मार्च 2024 को मेडिकल के स्टूडेंट्स का एग्जाम रहेगा, बायोलॉजी का रहेगा रेगुलर कैंडिडेट्स का और एसओएस के भी जो स्टूडेंट्स होंगे उनका भी बायोलॉजी का ही एग्जाम रहेगा। 7th मार्च 2024 को आर्ट्स के स्टूडेंट्स का एग्जाम होगा, ह्यूमैनिटीज के जो स्टूडेंट्स उनका एग्जाम होगा हिस्ट्री का, चाहे वो रेगुलर कैंडिडेट है या फिर एसओएस के कैंडिडेट है। 9th मार्च 2024 को दो एग्जाम्स होंगे, कॉमर्स वाले बच्चे जो होंगे उनका अकाउंटेंसी का एग्जाम होगा और जो साइंस के स्टूडेंट्स होंगे उनका एग्जाम होगा फिजिक्स का, और सेम एसओएस में भी यही डेट शीट रहेगी अकाउंटेंसी और फिजिक्स। 11th मार्च 2024 को आर्ट्स के स्टूडेंट्स का एग्जाम होगा संस्कृत का, रेगुलर में भी और एसओएस में भी संस्कृत का एग्जाम रहेगा। 12th मार्च 2024 को आर्ट्स के स्टूडेंट्स का एग्जाम होगा पॉलिटिकल साइंस का, रेगुलर में भी और एसओएस में भी। 13th मार्च 2024 को सिर्फ साइंस के स्टूडेंट्स का एग्जाम रहेगा मैथमेटिक्स का, और उससे पहले जो 12th मार्च को एग्जाम रहेगा वो ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स हैं पॉलिटिकल साइंस का। 14th मार्च को जो एग्जाम रहेगा वो हिंदी और उर्दू का रहेगा, चाहे वो रेगुलर कैंडिडेट्स हैं या फिर एसओएस से रिलेटेड कैंडिडेट्स हैं। 15th मार्च को साइकोलॉजी का एग्जाम होगा रेगुलर, और एसओएस के कैंडिडेट्स में कोई भी एग्जाम नहीं होगा। 16th मार्च 2024 को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर होगा, चाहे वो एसओएस का है या फिर रेगुलर कैंडिडेट है। 18th मार्च डे इज मंडे एंड द एग्जाम इज सोशियोलॉजी, बोथ फॉर द रेगुलर एज वेल एज द एसओएस कैंडिडेट्स। 19th मार्च 2024 द एग्जाम इज ज्योग्राफी, बोथ फॉर द रेगुलर एज वेल एज द एसओएस कैंडिडेट्स। 20th मार्च 2024
द एग्जाम इज ह्यूमन इकोलॉजी एंड फैमिली साइंस बोथ फॉर द रेगुलर एज वेल एज द एस टू एस कैंडिडेट्स. नेक्स्ट इज 21 मार्च 2024 फिजिकल एजुकेशन योगा कंप्यूटर साइंस ये एग्जाम्स जो होंगे वो 21 मार्च को रहेंगे चाहे वो रेगुलर कैंडिडेट्स होंगे या फिर एस टू एस के कैंडिडेट्स होंगे. 22 मार्च 2024 डे फ्राइडे है म्यूजिक म्यूजिक हिंदुस्तानी एंड म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल परकशन. 23 मार्च को डे सैटरडे है डांस कथक भरतनाट्यम. 26 मार्च फाइन आर्ट्स. 27 मार्च फ्रेंच. 28 मार्च फिलोसफी. 30 मार्च फाइनेंशियल लिटरेसी. पर जो यहाँ जो कैंडिडेट्स हैं उनके जो एग्जाम्स हैं वो 1 मार्च 2024 से शुरू होकर 21 मार्च 2024 तक खत्म हो जाएंगे. तो ये जो डेट शीट है दैट इज रिलेटेड विद द 12th क्लास कैंडिडेट्स बोथ फॉर द रेगुलर कैंडिडेट्स एज वेल एज द एसएस कैंडिडेट्स. तो इस तरह से बेटे ये जो डेट शीट है इट इज टू बी रिसेंटली इशूड बाय द एचपी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड दिस नोटिफिकेशन इज इशूड ऑन 24 जनवरी 2024. और उसके अकॉर्डिंग जो है बोर्ड ने अपनी डेट शीट जारी कर दी है चाहे वो थर्ड क्लास है फिफ्थ है एट नाइन्थ टेंथ प्लस वन एंड प्लस टू. अब आपको उस हिसाब से प्रिपेयर होना है कि 26 फरवरी 2024 से एग्जाम्स का शेड्यूल जो है वो शुरू होने जा रहा है. तो उस हिसाब से आप जो है अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें ज्यादा से ज्यादा अपना डेडिकेशन और डिवोशन जो है वो स्टडीज के ऊपर दें क्योंकि समय बहुत कम है. आज 25 जनवरी हो चुकी है अब इस मंथ के हार्डली आपके पास 6 डेज या 7 डेज लेफ्ट बचे हुए हैं और फरवरी की 26 से आपके एग्जाम्स का शेड्यूल शुरू होने जा रहा है. और जो 10th 12th और 8th के कैंडिडेट्स हैं उनके जो एग्जाम्स का शेड्यूल शुरू होगा वो होगा 1 मार्च 2024 से. तो इस तरह से आपको जो डेट शीट है वो आपको सारी बता दी गई है और इस डेट शीट के हिसाब से अब अपने आप को प्रिपेयर रखें एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड क्लासेस एग्जामिनेशन टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स.